नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ये जो लेसन है ये MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल का एक सीरीज है और जिसमें हम लोग जान रहे हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। आज ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये लेसन शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो इससे आपको हमारे जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे और सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, वो भी कृपया प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। पिछले लेसन में हम लोग जान चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। तो इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से लिया जाता है, प्रोसेसिंग CPU की मदद से किया जाता है और आउटपुट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से दिया जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? एक ऐसे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर को इनपुट कैसे प्रदान करेंगे? कोई कमांड देना हो ना, कोई क्लिक करना हो, क्लिक करना भी एक इनपुट है, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से इनपुट दिया जा सकता है वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। सबसे अधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने और निर्देश देने के लिए किया जाता है। निर्देश देने का मतलब है कमांड्स लिखने के लिए, ठीक है। तो अब जान लेते हैं एक एक करके कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो कीबोर्ड सबसे प्रचलित हम लोगों ने अभी इसको कहा है। टेक्स्ट के रूप में डेटा देता है। कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर को बताना चाहेंगे कीबोर्ड की सहायता से तो आपको लिखना पड़ेगा ना, टेक्स्ट के रूप में। और क्वर्टी कीबोर्ड का लेआउट प्रचलन में होता है। ये एक कीबोर्ड है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे ना QWERTY, ठीक है, यहाँ तक। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वर्टी कीबोर्ड, ठीक है। और इसमें आपको बहुत अलग अलग तरह के यहाँ एस्केप बटन दिखेगा। ये जो है ये कैलकुलेटर कीज होते हैं, नंबर कीज जिनको आप बोल सकते हैं। ये इधर आपको विंडोज़ की मिलेगा, ये इधर कंट्रोल हो गया, ये ऑल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया, ठीक है। ये इधर हो गए आपके इंसर्ट, होम पेज अप, डिलीट, एंड, पेज डाउन वगैरह, ये सब हो गए। ये नंबर कीज़ कहलाते हैं। ये वाले जो हैं ये फंक्शन कीज़ कहलाते हैं। ये आपका ये पॉज ब्रेक स्क्रॉल लॉक वगैरह ये सब बटन्स हो गए यहाँ पर। ये स्पेस बार हो गया। बहुत अलग अलग तरह के इसमें बटन्स होते हैं। सभी बटन का अपना अपना काम प्री डिफाइंड है, निर्धारित है पहले से। तो ये हो गया कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड भी PS2 कीबोर्ड होते हैं जो फिक्स कर दिए जाते हैं। एक होते हैं USB कीबोर्ड, ठीक है, जो USB की सहायता से लगाए जाते हैं, पेन ड्राइव की तरह लगा दिए जाते हैं आपके कंप्यूटर में। और एक होते हैं वायरलेस कीबोर्ड, जिसमें एक छोटा सा वायरलेस डिवाइस आपके अपने कंप्यूटर के USB में लगा दीजिए, उसके बाद ये कीबोर्ड जो है वो उस वायरलेस डिवाइस से जुड़ जाता है और बीच में कोई तार नहीं होता, आप इसमें जो लिखेंगे कंप्यूटर में पहुंच जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस है माउस। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। देखिए, जो भी इनपुट डिवाइस कर्सर को मूव कर सकता है, कर्सर यानी कि जो छोटा सा तीर होता है ना जो माउस को हिलाने से हिलता है, वो कर्सर कहलाता है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है वो तीर ही हो सकता है वो मोमबत्ती भी हो, ठीक है। कुछ गेम्स जो होते हैं उसमें एक इमेज कर्सर होती है, आप माउस को थोड़ा इधर घुमाएंगे तो वो जैसे वो एक आदमी की इमेज है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, घूम जाएगी, तो वो खुद ही एक कर्सर के रूप में काम कर लेता है। तो जिस डिवाइस में ये क्षमता होती है कि वो कर्सर को मूव कर सकता है उसे बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस कर्सर को मूव कर सकता है इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसके दो बटन होते हैं और इसका उपयोग कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। दो बटन कौन से? ये लेफ्ट क्लिक, ये राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से काम किया जाता है एक्चुअल ऑपरेशंस, राइट क्लिक से क्या होते हैं मेनू देखते हैं, और ये जो पेज अप पेज डाउन के लिए यूज किया जाता है ये स्क्रॉल, ये जो पहिया लगा हुआ है इस पर। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबार्ट। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। माउस का आविष्कार डगलस एंजलबार्ट ने किया था।
और इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं, स्कैनर स्कैनर, ये जैसा स्कैनर हो गया, आप अपने फोटो वगैरह इसको स्कैन करके कंप्यूटर में रख लेते हैं ना, कई बार अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म वगैरह भरे होंगे तो आपका फोटो स्कैन कर लेता है बंदा, जो भी आपका फॉर्म भर रहा हो या आप खुद भर रहे हैं तो अपना फोटो स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, तो यह क्या काम करता है, यह चित्रों, मुद्रित पाठ्य सामग्री, हस्तलेखन या किसी वस्तु को स्कैन कर लेता है और इसे एक डिजिटल चित्र के रूप में स्टोर कर लेता है, एक डिजिटल फोटोग्राफ के रूप में आपकी जो चीज़ें हैं, फोटो सामग्री वगैरह, उनको स्टोर करता है फोटोग्राफ के रूप में। मतलब मोटा मोटी बात यह करता है कि जो भी चीज़ आप इसके अंदर डाल देंगे उसकी ये फोटो खींच लेगा और स्टोर कर लेगा। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, इसमें कोई भी चीज़ फोटो के रूप में इनपुट कर सकते हैं। एक होता है जॉयस्टिक, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और अधिकतर उपयोग इसका गेम खेलने के लिए होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, कि ये गेम खेलने वाला है, कि ये हो गया, किसी किसी गेम में आपको गाड़ी की स्टेयरिंग के रूप में भी मिलेगा, किसी किसी गेम में आपको पिस्तौल या बंदूक के रूप में मिलेगा। तो अलग अलग टाइप के होते हैं जॉयस्टिक्स, जो कि गेम खेलने के लिए उपयोग में आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन, इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पे, सारे स्क्रीन्स पे नहीं, जिस स्क्रीन को जो स्क्रीन लिखने वाला है उसी पे लिखाएगा। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर या कोई ग्राफिक्स वगैरह बनाने के काम आता है लाइट पेन के द्वारा, या डिजिटल पेन भी इसको कहा जाता है। तो डिजिटल पेन के द्वारा आप किसी ऐसे डिवाइस पे लिख सकते हैं, जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जिस पर फोटोग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, है ना, डिजिटल पैड बोलते हैं उसको, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। एक और आजकल नया एडवांसमेंट आया है जिसे बोलते हैं स्टाइलस पेन, किसी किसी डिवाइस में आप स्टाइलस पेन के द्वारा लिख देते हैं। हालांकि स्टाइलस पेन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, वो एक छोटा सा बिना बिजली का ही एक डिवाइस है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल यानी माउस का बड़ा भाई, पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी माउस की तरह ही कार्य करती है। इसमें एक बॉल होती है, ये देखिए बॉल है ना, और बटन होते हैं, पॉइंटर को घुमाने के लिए बॉल को घुमाते हैं, यानी इसको पूरा का पूरा पकड़ के जैसे माउस को पूरा माउस ही घुमा देते हैं ना, वैसे इसमें नहीं करते हैं, इसमें ये बॉल को घुमाइए, कर्सर घूमेगा और जहाँ पे आपको क्लिक करना है वहाँ पे ये लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक से क्लिक कर दीजिए। फिर आता है ग्राफिक्स टेबलेट या डिजिटाइजर, देखिए जैसे इसमें ये जो लिख रहा है ना स्टाइलस पेन से, इस तरह के जो पैड्स होते हैं उनको बोलते हैं ग्राफिक टेबलेट या डिजिटाइजर, और छोटा सा टेबलेट होता है जिस पर लिखकर या चित्र बनाकर कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है ग्राफिक्स टेबलेट या डिजिटाइजर। माइक्रोफोन, ये देखिए माइक्रोफोन, ठीक है, इसके थ्रू क्या काम करते हैं, साउंड के रूप में डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप जो बोलेंगे वो साउंड जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाएगा और बाद में फिर आप उसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसलिए ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्टोर तो कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ पहुंचा रहा है, ठीक है, भले ही साउंड के रूप में पहुंचा रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक इनपुट, सॉरी माइक्रोफोन जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। और भी इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं। एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको MICR। इसमें मैग्नेटिक इंक से लिखी गई कोई चीज़ होगी वो पढ़ ली जाएगी, जैसे सपोज करिए आपका जो चेक है, ठीक है, वो पढ़ सकता है, आपका जो कार्ड्स हैं, बैंकिंग कार्ड्स हैं, उनको ये पढ़ सकता है, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो भी चीज़ें लिखी होंगी वो ये पढ़ लेगा। आप अपने कार्ड को पीछे घुमा के देखेंगे तो उसमें आपको एक ब्राउन कलर की स्ट्रिप नज़र आएगी, एक्चुअली वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसे ऐसे नॉर्मली रीड नहीं किया जा सकता, उसके लिए MICR की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक होता है बार कोड रीडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने जब सामान वामान खरीदने गए होंगे मॉल्स वगैरह में तो जब आप बिलिंग करवाते हैं तो जो बिल मैन होता है वो इसका उपयोग करता है और आपके प्रोडक्ट पे जो बारकोड होते हैं उनके ऊपर लाइट मारता है तो जो बारकोड की इंफॉर्मेशन होती है वो BCR यानी बारकोड रीडर के द्वारा रीड करके और कंप्यूटर के अंदर पहुंचा दी जाती है और इसी तरह से आपका पूरा बिल बनता है। ये प्रोडक्ट के ऊपर ये बारकोड होते हैं इस प्रकार से और ये बारकोड रीडर के द्वारा इन बारकोड्स को पढ़ा जाता है। तो क्या किया जाता है BCR से, इसके द्वारा बारकोड को इनपुट किया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग शॉपिंग में बिल बनाने के लिए होता है, मैक्सिमम उपयोग इसका यही है। एक और बड़ा पॉपुलर इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा, तो डिजिटल कैमरा ये रहा
इसके द्वारा आप फोटोग्राफ लेते हैं, इसके अंदर मेमोरी चिप में वो फोटोग्राफ स्टोर हो जाते हैं, फिर उसके बाद मेमोरी चिप आप कंप्यूटर में लगा के अपने फ़ोटोज़ वगैरह स्टोर कर देते हैं, या फिर एडिट करना चाहें तो एडिट कर लेते हैं। तो ये फ़ोटोग्राफ्स को इनपुट कर लेता है, स्टोर कर लेता है, कंप्यूटर के अंदर डाल देता है, कंप्यूटर को फोटोग्राफ के रूप में इनपुट देता है, इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR। तो किसी कागज पे, पेंसिल पे, पेन को, पेन से आप कुछ चिन्ह लगाते हैं सपोज, है ना, तो उसे ये रीड कर लेता है। अब एक बहुत ही एग्जांपल इसका बहुत ही अच्छा है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप इस तरह से OMR शीट पे आंसर्स मार्क करते हैं, ठीक है ना, ए को काला कर दिया, कोई किसी का आंसर बी है तो बी को काला कर दिया। अब वो OMR शीट इस OMR रीडर मशीन के अंदर डाली जाती है और इसके अंदर से जो रेज निकलती हैं वो ठीक उसी उसी जगह पे पड़ेंगी जो आंसर सही थे, ठीक है। अब जहाँ पे वो रेज रुक जाएंगी, यानी आपने काला किया हुआ है तो रुक जाएंगी, ठीक है, जहाँ जहाँ पे वो रेज रुक जाएंगी वो जगहों पे आपको एक एक नंबर मिल जाएगा, माना जाएगा कि आपने सही उत्तर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्टिकल मार्क रीडर काम करता है। इसके द्वारा वैकल्पिक प्रश्न परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे OMR शीट जो होती है वो OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर द्वारा जांची जाती है। आजकल बहुत ही ज्यादा चलने वाली एक इनपुट डिवाइस है जिसे बोलते हैं टच स्क्रीन। सभी मोबाइल्स में, सभी टेबलेट्स में आजकल टच स्क्रीन आ गया है। अब आपको मोबाइल टेबलेट वगैरह में माउस की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सीधा उंगलियों से काम कर सकते हैं, इसे बोलते हैं टच स्क्रीन। ये एक टच स्क्रीन एक विशेष प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूज़र किसी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह अपने उंगलियों को चला सकता है, ठीक है, और क्या काम कर सकता है, मेनू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन कर सकता है, डबल क्लिक कर सकता है उंगलियों से, ये सारा काम उंगलियों से हो जाता है और ये टच स्क्रीन डिस्प्ले में होता है। तो ये इनपुट डिवाइस का नाम हो गया टच स्क्रीन। तो ये थे इनपुट डिवाइसेस। मेरे ख्याल से आज इनपुट डिवाइसेस में हम लोगों ने लगभग सभी यूज़ में आने वाले इनपुट डिवाइसेस की चर्चा कर ली है। यदि आपको कोई डाउट हो या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले लेसन में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब जानेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।